रजत की एक अद्भुत। 16वीं शताब्दी में रजत की खोज ने स्पेन को अकल्पनीय धन दिया, छिपे हुए धन। 1545 में चांदी का सबसे बड़ा स्रोत उच्च ऊंची वाले सेरो पोटोसी पहाड़ के अंदर छिपा हुआ पाया गया था। खोज के एक साल के भीतर दक्षिण अमेरिका के स्पैनिश विजेता ने एक खान शहर का निर्माण किया था, जिससे चांदी की भीड़ बढ़ गई थी। घातक खान। नई खानों ने 2 शताब्दियों के लिए अमेरिका में स्पैनिश व्यापारियों को शीर्ष बनाया। पोटोसी से उन्होंने 40,000 टन से अधिक चांदी का निर्यात किया। स्थानीय लोगों को अफ्रीकी गुलामों के साथ शामिल किया गया और भयंकर परिस्थितियों में खानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इससे कई लोग दुर्घटनाओं, बीमारियों और क्रूर उपचार से मारे गए। रजत शहर। 17वीं शताब्दी तक पोटोसी का अचरज शिविर एक अमीर शहर बन गया था। चांदी ने यूरोप में युद्ध के मैदान के लिए भूगठन कराने में मदद की। चीन में बड़े प्रतिशत से चांदी का शेखरण किया गया, जो मुद्र बनाने में, चाय, रेशम और पोर्सिलिन के कारोबार में उपयुक्त होता। इससे दुनिया कैसे बदली? पोटोसी के अमीरी ने अमेरिका को एक देखने लायक जगह बना दी। Thank you for watching. Please like and share. Don't forget to subscribe us.